आज के इस वीडियो में हम आपके साथ चार स्टेप्स शेयर करेंगे कि जिन्हें फॉलो करके आप गणेश चतुर्थी के त्योहार पर स्पीच डिलीवर कर सकते हैं। हम आपके साथ पहला पॉइंट शेयर करें उससे पहले कहना चाहेंगे कि आप अपनी स्पीच की शुरुआत संबोधन के साथ और लोगों को बधाइयां और शुभकामनाएं देकर कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले स्टेप में आप लोगों को कोई एक श्लोक बताइए। उदाहरण के रूप से आज के गणेश चतुर्थी के इस त्योहार पर मैं मेरी स्पीच को आगे ले जाने से पहले एक श्लोक बोलना चाहूंगा कि जो गणेश जी से जुड़ा हुआ है। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। साथियों, हम सबके जीवन में हमेशा किसी भी काम में किसी भी प्रकार का विघ्न न आए, वैसी मैं गणेश जी से प्रार्थना करता हूं। तो इस प्रकार से आप पहले मुद्दे को कवर कर सकते हैं और इस प्रकार से बोल सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और इस फेस्टिवल पर आपको जो सेकेंड पॉइंट कवर करना चाहिए वो यह है कि आप यह कहिए कि गणेश चतुर्थी का त्योहार क्यों मनाया जाता है और इस त्योहार को 10 दिवस तक क्यों मनाया जाता है। आप उदाहरण के रूप से ऐसे बोल सकते हैं, आज के इस गणेश चतुर्थी के त्योहार को हम सब लोग मना रहे हैं। गणेश चतुर्थी का त्योहार इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन भगवान श्री गणेश का जन्म हुआ था। एक और जो है वो यहाँ पर हम बात आपसे करना चाहेंगे कि इस त्योहार को 10 दिन के लिए क्यों मनाया जाता है। इस त्योहार को 10 दिन के लिए इसलिए मनाया जाता है क्योंकि गणेश जी ने महाभारत को 10 दिन तक लिखा हुआ था। महाभारत को लिखने के लिए गणेश जी ने 10 दिन निरंतर समय दिया हुआ था। अब ये 10 दिन तक निरंतर लिखने के बाद गणेश जी के शरीर पर धूल और मिट्टी जम गई थी। इसे दूर करने के लिए उन्होंने सरस्वती नदी में स्नान किया हुआ था और अपने शरीर को स्वच्छ किया हुआ था। तो इसी वजह से गणेश चतुर्थी का त्योहार 10 दिवस के लिए मनाया जाता है। तो इस प्रकार से आप सेकेंड पॉइंट को कवर कर सकते हैं और हमने जैसे बताया उस प्रकार से आप बोल सकते हैं। अब हम कवर करते हैं गणेश चतुर्थी के इस फेस्टिवल पर शामिल करने जैसे तीसरे पॉइंट को, और वो यह है कि आप भगवान श्री गणेश के जीवन की किसी यूनिक बात को बताइए। उदाहरण के स्वरूप, हम सब लोग यहाँ पर ये तो जानते हैं कि भगवान श्री गणेश के माता पिता कौन हैं, उनके भाई कौन हैं। तो गणेश जी के माता पिता माँ पार्वती और भगवान शिव है और उनके भाई कार्तिकेय हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि गणेश जी की पत्नियाँ कौन थी, गणेश जी के बच्चे कौन थे? तो मैं आपको बताता हूँ कि गणेश जी की दो पत्नियां थी, रिद्धि और सिद्धि। गणेश जी के दो बेटे थे, योग और क्षेम, और गणेश जी की एक बेटी थी, माता संतोषी। गणेश जी की जो दो पत्नियां थी वो दोनों बहनें थी। दोनों ने गणेश जी को पति के रूप में चुना हुआ था, दोनों साथ में ही रहती थी। रिद्धि कि जिसका मतलब होता है संपन्नता, कि हम मेहनत करते हैं, मेहनत करने के बाद परिणाम स्वरूप हमें जो मिलता है
वो हमें पूरी तरह से सेटिस्फैक्ट्री मिल जाता है तो उसे संपन्नता कहा जाता है। उसी प्रकार से उनके जो दो बेटे थे योग और क्षेम, योग की जिन्हें लाभ कहा जाता है कि जो कमाई के देवता है, क्षेम की जिन्हें शुभ कहा जाता है कि जो बचत के देवता है, माता संतोषी उनकी बेटी कि जो एक शक्ति का स्वरूप है। तो इस प्रकार से गणेश जी का ये परिवार था कि जिसके बारे में हमें जरूर जानना चाहिए। तो इस प्रकार से आप तीसरे पॉइंट को शामिल कर सकते हैं और आप अपने हिसाब से बोल सकते हैं। अब गणेश चतुर्थी के त्योहार पर आपको चौथा और आखिरी मुद्दा कौन सा कवर करना चाहिए, तो वो है कि भगवान श्री गणेश के जीवन से हमें क्या सीखने को मिलता है हम यह बताएंगे। उदाहरण के रूप में भगवान श्री गणेश के जीवन से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। गणेश जी के जीवन में से मुझे एक बात बहुत ही अच्छी लगती है कि जिसे मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। गणेश जी कहते हैं कि हमें निर्णय हमारे दिमाग से लेने चाहिए। बहुत सारे लोग वैसे होते हैं कि जो दिमाग से सोचते हैं लेकिन निर्णय दिल से लेते हैं, लेकिन गणेश जी कहते हैं कि हमें निर्णय दिमाग से लेना चाहिए, क्योंकि हम जब दिमाग से निर्णय लेते हैं तो हम दूरदर्शी होकर निर्णय ले पाते हैं, फ्यूचर का सोचकर डिसीजन ले पाते हैं। हम सबके जीवन में एजुकेशन से जुड़े हुए, करियर से रिलेटेड, रिलेशनशिप के इत्यादि निर्णय लेने की जरूरत पड़ती है, तो हमें ये सभी निर्णयों को दिमाग से लेने चाहिए, क्योंकि हम दिमाग से लेंगे तो दूरदर्शी होकर निर्णय ले पाएंगे। हम इमोशनल होकर निर्णय नहीं लेंगे, क्योंकि हम दिमाग से लेते हैं। इसलिए इमोशनल होकर निर्णय कब लिए जाते हैं, जब हम दिल से सोचते हैं तब वैसे निर्णय लिए जाते हैं। तो यह बात गणेश जी की हम सबको हमेशा याद रखनी चाहिए कि हम दिमाग से निर्णय ले, क्योंकि हम दूरदर्शी होकर निर्णय ले सकते हैं। तो इस प्रकार से आप चौथा पॉइंट कवर कर सकते हैं। उसके बाद आप लास्ट में लोगों को थैंक यू कह के अपनी स्पीच को एंड कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने आपके साथ चार पॉइंट्स को शेयर किए कि जिन्हें फॉलो करके आप गणेश चतुर्थी के त्योहार पर स्पीच डिलीवर कर सकते हैं। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।